नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSET की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम तैयारी करवा रहे हैं GK GS सब्जेक्ट की, जो कि आगामी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, तो आप क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न को शुरू करते हैं और ये सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। दोस्तों, RK नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए टू लीव्स एंड अ बर्ड, बिल्कुल ठीक है, इस पुस्तक के लेखक जो है वो RK नारायण जी नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो RK नारायण जी की कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: वेटिंग फॉर द महात्मा, द इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द वर्ड ऑफ नागराज, द डार्क रूम। ये सारी जो है वो RK नारायण जी की कुछ प्रमुख अन्य कृतियां हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप सभी के सामने, इनमें से कौन सी खेल शख्सियत एक ही खेल स्पर्धा में लगातार 4 स्वर्ण पदक जीत चुकी है? तो दोस्तों जल्दी से विचार करिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी माइकल फिलिप्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, तो आप बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, स्विमिंग पूल के जादूगर कहलाने वाले माइकल फिलिप्स ने रियो ओलंपिक 2018 में 4 स्वर्ण पदक जो है वो एक ही प्रतियोगिता में जीते थे। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से कौन एक नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है? तो दोस्तों विचार करिए चारों ऑप्शन पे और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी IRNSS, बिल्कुल ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक नौवहन उपग्रह है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से कौन सी खेल स्पर्धा को पहली बार वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? दोस्तों सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बिल्कुल ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा और दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि कराटे को 2020 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया, तो आप बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2020 में टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में 5 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। और दोस्तों इनके नाम क्या है? तो एक तो आपको पता चल गया कराटे, उसके अलावा दोस्तों बेसबॉल है हमारा, स्केटिंग बोर्ड है, सर्फिंग है और सॉफ्टबॉल है। ये सब जो है ओलंपिक 2020 में नए एडेड खेलों के नाम है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी की डॉल्फिन मछली, तो आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुंद जंजीरा जिला, जी दोस्तों मुरुंद जंजीरा किला चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो दोस्तों जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुंद में स्थित है और दोस्तों यह भारत के पश्चिमी तट पर एक मात्र किला है जो कभी भी जीता भी नहीं गया, तो आप याद रखिएगा। तो यहां से दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका मुरुंद जंजीरा जो जिला है वो तीन तरफ से चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पोस्टल प्रशासन ने इनमें से किस शख्सियत की याद में एक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन पर विचार करिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, 2 अक्टूबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र की कर्नाटक संगीत कलाकार, संयुक्त राष्ट्र ने कर्नाटक संगीत कलाकार दिवंगत MS सुब्बुलक्ष्मी, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि MS सुब्बुलक्ष्मी के सम्मान में उनकी 100वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो दोस्तों विचार करिए और जल्दी से बताइए, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों हार्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है और दोस्तों यह महोत्सव हर वर्ष दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो यहां से जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हार्नबिल त्यौहार। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस तारीख को विश्व लाइन दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड लाइन डे के नाम से किस तारीख को उत्सव मनाया जाता है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जल्दी से बताइए, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों जिन्हें भी लगता है कि ऑप्शन नंबर बी 10 अगस्त को विश्व लाइन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
जी दोस्तों, कौन सा टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो दोस्तों बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बैरन टापू जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए दोस्तों, यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की विषय वस्तु क्या थी? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की जो हमारी विषय वस्तु थी कि वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन। तो बिल्कुल ठीक है, जीरो टॉलरेंस फॉर द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 2017 के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय वस्तु था कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। और अगर हम बात करें 2019 की तो इसकी जो थीम थी वह थी एयर पॉल्यूशन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों विचार करिए ऑप्शन को और जल्दी से बताइए कि अरावली पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी जो है निम्न में से कौन सी है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर जो है वो अरावली पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों विचार करिए और जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध पारिस्थितिकी से है। तो यहां से इकोलॉजी पारिस्थितिकी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन पर विचार करिए और जल्दी से बताइए कि भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में निम्न में से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिंदू कश जो है वो पर्वत श्रृंखला जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो दोस्तों किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो जल्दी से विचार करिए और जल्दी से बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, फेरी क्वीन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसका निर्माण कब किया गया था? तो फेरी क्वीन का निर्माण किया गया था वर्ष 1855 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जिसे पूर्व में कहते हैं तो थे। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम में मनाया गया था दोस्तों, जिसे अब हम नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। जी इनमें से कौन सा इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर है? तो दोस्तों आपके स्पेस से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रश्न का जल्दी से बताइए उत्तर सही क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, जिन्हें भी लगता है ऑप्शन नंबर डी PSLV इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों विचार कीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पाल राजवंश का दक्षिण भारत से कोई भी संबंध नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों चारों ऑप्शन पर विचार कीजिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था। चलिए दोस्तों इसके और विकल्प को भी देख लेते हैं। जी दोस्तों इसमें प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि हो गई दोस्तों, मगर यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है तो यह कथन जो है वो इसमें असंगत है, प्रश्न पूरा यहां पे नहीं ले पाए हैं। तो अगर आपसे इस प्रश्न को अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के परिपेक्ष में दिए गए कथनों में से असंगत कथन कौन सा है? तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखें यह भारत की नियमावली पुस्तक है, यह बिल्कुल ठीक है, इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया, यह भी बात बिल्कुल ठीक है, और मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो यहां से आपका तीनों ही विकल्प बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं।
भारत का वन्य जीव संस्थान कहां पर स्थित है? दोस्तों वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड भी काफी सारे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं, तो जल्दी से बताइए कि भारत का वन्य जीव संस्थान कहां पर स्थित है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है वो देहरादून में है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और दोस्तों तो यहां से आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देहरादून। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों देहरादून में भारत के वन्य जीव संस्थान की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में कपास की फसल उगाई जाती है, तो दोस्तों बताइए कि भारत में कपास की फसल उगाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी में भारत के अंदर कपास की फसल सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। जॉर्ज लेमात्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? जी दोस्तों जल्दी से विचार करिए चारों ऑप्शन पे और जल्दी से बताइए कि लॉर्ज लेमात्रे का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो बिल्कुल ठीक है, महाविस्फोट, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों हमारे जॉर्ज लेमात्रे के द्वारा किया गया था। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिग बैंग थ्योरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लाइनेक्स उदाहरण है, तो दोस्तों लाइनेक्स जो है निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन पे विचार कीजिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका विकास जो है लिनन टोरवाल्ड्स द्वारा वर्ष 1992 में किया गया था। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी कि लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित है। तो यहां से आपका न्यू दिल्ली जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जी दोस्तों कौन एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन पे विचार करिए और जल्दी से बताइए कि भारत के अंदर कौन जो है वो हल्के लड़ाकू विमान के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तेजस यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है तेजस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो तेजस जो है भारत का एक हल्का लड़ाकू विमान है और यह भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है। और दोस्तों यह विमान 6500 किलोग्राम लेके वजन लेके उड़ सकता है। और दोस्तों इसकी अगर हम गति की बात करें तो इसकी गति कितनी है? तो लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा तेजस की गति है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस से संबंधित है? तो दोस्तों विचार करिए और जल्दी से बताइए कि टिंडल प्रभाव का निम्न में से किससे संबंध है? तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन से, तो आप बिल्कुल सही हैं, टिंडल प्रभाव का प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंध है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है? तो दोस्तों स्पोर्ट्स से आपके काफी सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन जो है वो अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, माइकल बेवन जो है अंतरराष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी नहीं है। और माइकल बेवन कौन थे? तो बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट के शौकीन लोग जानते हैं कि माइकल बेवन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी है जो एक राइट हैंडेड बैट्समैन है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों विकल्प पर विचार कीजिए और जल्दी से बताइए कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा जो है सार्वजनिक उपक्रम है या फिर निजी उपक्रम है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कर्मचारियों की सेवा शर्तें, इससे कोई लेना देना नहीं है, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, और गतिविधि की प्रकृति, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अगर हम स्वामित्व की बात करें तो यहां से हमें पता चल जाता है कि यह संस्था जो है वो या तो निजी क्षेत्र की है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों प्रसार भारती के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जल्दी से बताइए कि प्रसार भारती के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जो है वो दोनों ही प्रसार भारती के अंतर्गत आते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइए कि रण उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है और इसका आयोजन जो है गुजरात के कच्छ में किया जाता है। तो यहां से विकल्प ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं।
कौन सा निम्नलिखित हवा प्रदूषण का कारण नहीं है? तो दोस्तों विचार करिए और जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सा जो है वो एयर पॉल्यूशन हवा प्रदूषण का कारण नहीं है। तो दोस्तों खनन कार्य प्रदूषक का कारक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृषि गतिविधियां, जैसे आपने अभी देखा होगा कि किसान हरियाणा में पराली जलाते हैं, उससे वायु प्रदूषण दिल्ली में कितना था, बिल्कुल ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का जलन, तो इससे भी वायु प्रदूषण होता है। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर बी कि अम्लीय वर्षा जो है वो वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विचार कीजिए ऑप्शन पर और जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अर्थशास्त्र में बहुत लंबी, गहरी और दर्दनाक मंदी को हम कहते हैं अवसाद या डिप्रेशन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। तो दोस्तों विचार करिए और जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी जो है वो मुख्य रूप से साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? तो दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का निम्न में से कौन सबसे सही विवरण है? ऑप्शन पर विचार करिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी सतत विकास के अध्ययन स्थल, तो यहां से लर्निंग साइट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। कुद नृत्य यहां का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो दोस्तों बताइए कि कुद नृत्य का किस राज्य से संबंध है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, कुद नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहां से आपका विकल्प नंबर बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? तो दोस्तों विचार करिए और जल्दी से बताइए कि किस मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? विचार करिए ऑप्शन पे और जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, हम प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार कर रहे थे क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार कर रहे थे और यहां से ब्रिटिश उपाधियों का भी परित्याग कर रहे थे। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि उस समय हम किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? जी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जी बिल्कुल ठीक है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर जो श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है श्रीलंका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतरग्रही मिशन से संबंधित है? तो दोस्तों कौन जो है वो अंतरग्रही मिशन से संबंधित है, जल्दी से बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो है ऑप्शन नंबर सी मंगलयान का संबंध जो है अंतरग्रही मिशन से है, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख ले। कौन भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है? तो दोस्तों चारों ऑप्शन पर विचार करिए और जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन जो है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, कौन जो है वो, हु इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया? जी दोस्तों जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, संसद जो है, भारत की संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो यहां से विकल्प नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही बताया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जिन्हें भी लगता है कि ऑप्शन नंबर बी कबड्डी जो है वो तमिलनाडु का आधिकारिक खेल नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों यहां पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो यहां से कबड्डी जो है हमारा राजस्थान के लिए, राजस्थान राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र क्रीड़ा संस्थान किस शहर में स्थित है? जी दोस्तों जल्दी बताइए, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान जो है पटियाला में स्थित है और दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान भी है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पटियाला। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। ICR का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ICR ये टर्म आपने कई जगह सुना होगा, तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि ICR की फुल फॉर्म क्या होती है।
जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। आईसीआर की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो दोस्तों कुल सदस्यों का कितना भाग जो है लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक होता है? जी दोस्तों बिल्कुल सही है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, 1/10 भाग जो है लोकसभा की बैठक के गठन के लिए कोरम सदन के लिए कोरम के सदस्यों के लिए आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहां स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो कहां पर स्थित है? बिल्कुल ठीक है, फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो सिंगापुर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा है और दोस्तों यह सिंगापुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सनटेक सिटी में स्थित है। तो यहां से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है? तो दोस्तों विचार करिए और बताइए कि निम्न में से कौन जो है वो बाकी तीन से भिन्न है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, समुद्री घोड़ा जो है बाकी तीनों से भिन्न है क्योंकि यह समुद्र में पाए जाने वाले मछलियों की 54 प्रजातियों का नाम है जो सिप्पोकैम्पस जीन्स कहते हैं और बाकी सभी जो है स्थल एवं जल प्राणी हैं। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज की गणना की जाती है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप जल्दी से बताइए कि एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस चीज की गणना जो है वो की जाती है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, घुली हुई ऑक्सीजन। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, ज़ीनॉन ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ज़ीनॉन जो है वो एक रासायनिक तत्व है जिसको अनोखा गैस या अजनबी गैस के भी नाम से जानते हैं और इसका दोस्तों प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है जी दोस्तों XE, ज़ीनॉन का प्रतीक होता है। और दोस्तों अगर हम इसके परमाणु क्रमांक के बारे में बात करें तो ज़ीनॉन का परमाणु क्रमांक होता है 54 और इसका उपयोग फ्लैश लैंप और आर्क लैंपों में किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों बताइए कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया था? बिल्कुल ठीक है, 1 अप्रैल 1989। तो यहां से आपका विकल्प नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें कि जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल ठीक है, हर गरीब व्यक्ति को जो ग्रामीण इलाके में रहता है कम से कम 90 से लेकर 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा सके। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पर।